निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी फिल्म बटला हाउस में संजय दत्त की फिल्म मुसाफिर का गाना साकी साकी रिक्रिएट किया गया। जी हाँ, और फिल्म में इस गाने को गाया है नेहा कक्कड़ ने। फिल्म मुसाफिर के ओरिजिनल ट्रैक साकी साकी में कोएना में आइटम नंबर किया है। वहीं इस गाने के रीमेक में नोरा फतेही नजर आई हैं। वहीं कोएना मित्रा ने जब इस गाने का रीमेक सुना तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुई। वहीं हाल ही में संजय दत्त ने भी इस सॉन्ग को लेकर के अपनी राय रख दी है। बताना चाहेंगे, संजय दत्त ने अपनी इस फिल्म को लेकर के काफ़ी बड़ा बयान दिया है। वेल, बताना चाहेंगे जहाँ इनके समय पर भी ये गाना बम्पर हिट हुआ था, वहीं अब एक बार फिर से इनका ये गाना तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन सिर्फ यही है कि स्टार और स्टार्स का अंदाज बदल गया है। अब इस पे संजय दत्त ने क्या कहा, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। साकी साकी पे जिस तरीके से संजय दत्त के गाने को रिक्रिएट किया गया है, उससे दर्शक तो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इस पे नेहा कक्कड़ ने भी काफ़ी अच्छी आवाज़ दी है अपनी। तो साथ ही साथ नोरा फतेही ने इस पे काफ़ी अच्छा शानदार डांस भी किया है। वहीं जब बटला हाउस के इस गाने को लेकर के संजय दत्त से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, साफ साफ संजय दत्त का कहना है कि ये गाना जिस तरीके से क्रिएट किया गया है वो वाकई में आज के ज़माने का है, लेकिन जिस तरीके से इसे हमारे ज़माने में क्रिएट किया गया था उसका कोई भी मिसाल नहीं। बताना चाहेंगे, वैसे तो ये गाना संजय दत्त को पसंद आया है, लेकिन खुलकर उन्होंने इस गाने की तारीफ नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया पर ये गाने का जादू और साथ में जी हाँ नोरा फतेही के डांस का असर पूरी तरीके से बिखर चुका है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।